फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोग मुझे अक्सर कमेंट करते हैं मेरे वीडियो के नीचे कि यार फैम पे आपसे पैसे कमाने के बारे में बताओ, या फिर हम फैम पे से पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो इसी का आज मैं वीडियो लेके आ चुका हूँ। आप इस ऐप से कितने पैसे कमा सकते हो या नहीं कमा सकते हो, या कितना कमा पाओगे, आपको रेफर का पैसा क्यों नहीं मिलता, वो सब कुछ आप इस वीडियो में जानने वाले हो। तो इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखना। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि फैम पे से रिलेटेड मैं एकदम बारीकी से, मतलब कि फैम पे क्या है और इसमें आप, मतलब बोलते ना एकदम ए टू जेड, कि आपको फैम कॉइन कैसे कमाना है, पैसे कैसे कमाना है, अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, अगर आपको केवाईसी प्रॉब्लम आ रही हो, तो सब कुछ आपको हमारे चैनल पे मिलने वाला है। तो आप हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रखना, अगर आपकी एज 18 से माइनस है तो। साथ ही साथ अगर आप फैम पे के अलावा कोई बैकअप अकाउंट ढूंढ रहे हो कि यार कोई बैकअप में कोई दूसरा ऐप चाहिए, तो मैं उसके बारे में भी वीडियो के एंड में बात करूंगा, तो वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम फैम पे ऐप को ओपन करते हैं, और यहाँ से आने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ कि मैंने अभी तक फैम पे ऐप से कितना पैसा कमाया है, ताकि आप लोग को एक अंदाजा लग सके कि देखो यहाँ से आपको पता चलेगा कि मैंने फैम पे से कितना कमाया। 7,084 रुपये अभी तक मैंने फैम पे ऐप से कमा चुके हैं। अब अगर आपको भी ये पैसे कमाना है तो आप कैसे कमा सकते हो उसके बारे में हम बात करते हैं, या फिर मैंने पैसे किस तरह से कमाए मैं वो भी बताऊंगा। तो मैंने जो पैसे कमाए हैं उसमें मेरा जो समझो कि 70-80% जो मेरे पैसे हैं वो सब कुछ मैंने रेफर से कमाया है। अब रेफर कैसे, तो देखो जब फैम पे न्यू लॉन्च हुआ था तो फैम पे रेफर का काफ़ी बढ़िया पैसा देता था। आप समझ सकते हो कि एक रेफर का हमें कभी कभी 50, कभी कभी 100, कभी कभी 75, और मैंने जब से रेफ़र करना स्टार्ट किया तो मुझे ज़्यादातर 50-25 और साथ ही साथ 17-15 कुछ इस तरह के अमाउंट मुझे मिले हैं। तो मुझे इतना ही आइडिया है, बाकी 100 रुपये भी मिलता था, जो कि मेरे से जो काफ़ी पहले वीडियो बनाए थे उनको 100-100 रुपये का भी रेफर मिला हुआ है। तो जो मैंने पैसे कमाए वो रेफर की वजह से कमाए हैं। अब बात करते हैं कि यार आप किस तरह से कमा सकते हो। तो इसका सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो डिजिटल गोल्ड में, अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, बाकी मैं इसको प्रीफर नहीं करता क्योंकि कुछ खास इसमें मतलब अर्निंग नहीं होती है। तो आप चाहो तो इसमें कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको मतलब पूरी तरह से मतलब आप हटा सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिसिटी बिल के नीचे आप लोग अपना फैम पे अकाउंट चेक करना है। इलेक्ट्रिसिटी का जो ये ऑप्शन है, इसके नीचे आपको ऑप्शन देखने मिलेगा 500 बैक या जो भी अमाउंट रहेगा, तो उस हिसाब से आप अपने घर में या किसी का इलेक्ट्रिसिटी बिल भर देना, आपको कुछ पैसे हैं वो कैशबैक में मिल जाएगा जो कि आप कमा सकते हो। इसके अलावा देखो ये जो ऑप्शन है वो ज़्यादातर लोगों में मतलब 99% के अकाउंट में देखने को मिलता है, डिस्काउंट 500 बैक का। अब इसका क्या मतलब है तो आप सिंपली सा समझ जाओ। तो देखो इस पर हम क्लिक करते हैं, आप इस पर क्लिक कर लेते हो तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपके सामने कई तरह के ऑप्शन मिलते हैं, और यहीं पर आपको देखो दो तरह का साइन देखने को मिलता है, एक आपको ऑरेंज कलर का, सॉरी येलो कलर का, और एक मिलता है आपको ग्रीन कलर का। अब ये हमारा जो ऑरेंज है इसका क्या मतलब है, या फिर जो हमारा ग्रीन है इसका क्या मतलब है? तो देखो आप में से कई सारे लोग होटल से खाना मंगाते होंगे, जैसे स्विगी, जोमेटो, या फिर आप अगर कहीं से कपड़े परचेस करते हो जैसा कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जो भी तरह तरह की जो चीज़ें आती है। साथ ही साथ अगर आप लोग सिनेमा घर मतलब थिएटर जाते होंगे मूवी वगैरह देखने के लिए, तो आप लोग क्या करते हो, डायरेक्ट पेमेंट करते हो, आप सामान ऑर्डर करते हो और बदले में आपको कुछ नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप वही चीज़ अगर आप इस ऐप के थ्रू करोगे, इस ऐप के थ्रू मतलब कि समझो कि हर एक ऐप में या हर एक चीज़ में, हर एक सर्विसेज में एक डिस्काउंट कोड या कूपन कोड के नाम से एक ऑप्शन मिलता है। उस कूपन कोड में क्या डालते हैं मैं आपको बता दूँ। जस्ट लाइक आप समझो कि स्विगी से आप कोई जो खाना है आप ऑर्डर करना चाहते हो, तो जस्ट लाइक यहाँ पर आप देख सकते हो गिफ्ट कार्ड के नाम से एक ऑप्शन आ चुका है हमारे पास। अब आपको क्या करना है, जैसे मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के साथ ही साथ यहाँ पर आप देखोगे तो देखो हमारा जो मिनिमम अमाउंट है वो 100 रुपये का है, और आप चाहे तो इसको बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने वाले 100 मतलब मिनिमम जो है हमारा 100 रुपये से करना पड़ेगा। इसके अलावा देखोगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलता है, ग्रीन में और एक ऑरेंज में। तो इसका ये मतलब है कि देखो अगर आप जितने का इसमें गिफ्ट कार्ड परचेस करोगे, जस्ट लाइक आप समझो कि अगर आप 5 रुपये का गिफ्ट कार्ड परचेस करते हो, तो 500 रुपये का अगर आप 2.5% देखें तो इसका कितना होता है मैं आपको लाइव करके दिखा देता हूं। जस्ट लाइक 500 × 2.5% तो टोटल जो है हमारा, सॉरी यहाँ पे हम प्लस करके देखते हैं, तो देखो जो हमारा टोटल है वो जो हमारा प्रॉफिट आने वाला 12.5 रुपये का प्रॉफिट आएगा अगर आप 500 रुपये का इसमें स्विगी का गिफ्ट कार्ड परचेस करते हो। मतलब आप स्विगी से ऑर्डर करते हो अगर 500-600 अगर आप ग्रुप में करने वाले हो, तो आप यहाँ से गिफ्ट कार्ड को पहले परचेस कर लेना, उसके बाद वहाँ से आप पेमेंट करोगे तो पेमेंट आपका यहीं से कटेगा और आपका जो 12-15 रुपये का जो कैशबैक वो आपको मिल सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर देखोगे तो आपको ये जो मैंने बताया आपको कि ये जो हमारा 1x का इसका क्या मतलब है, तो देखो अगर आप 250 रुपये का या फिर 500 रुपये का अगर आप गिफ्ट कार्ड परचेस करते हो, तो आपको 1x के हिसाब से 500 रुपये का अगर परचेस करते हो तो आपको 500 फैम कॉइन मिल जाएगा। अब फैम कॉइन का यूज़ कैसे करना है अगर आपको नहीं पता है, तो आने वाले सीरीज में आप ये वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि मैं इसका सीरीज चला रहा हूँ, आपको मैंने बता ही रखा है। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करेंगे, बाकी की बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।